यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। 20 विधायकों को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऑक्यूपाई करने के कारण से आज उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। यह कोई साधारण विषय नहीं है। आज हम कहना चाहते हैं और जनता के सामने आम आदमी पार्टी की सच्चाई को रखना चाहते हैं। वह पार्टी जो आज से कुछ वर्षों पूर्व इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से आरंभ हुई थी, फ्रॉम इंडिया अगेंस्ट करप्शन टू आई एम करप्शन, यह जो जर्नी रहा है, यह जो सफर आम आदमी पार्टी का रहा है, वो बहुत कम समय में आम आदमी पार्टी ने तय किया है। फ्रॉम इंडिया अगेंस्ट करप्शन टू आई एम करप्शन, आज ऐसी स्थिति है आम आदमी पार्टी सरकार की के आधे मंत्री जो कैबिनेट मंत्री थे भ्रष्टाचार के केसेस में, आज वो लंबित है, उनको निलंबित किया गया। शायद अरविंद केजरीवाल जी ने लंबित करते भी नहीं, मगर इस प्रकार के एविडेंसेस सामने आए, पब्लिक फोरम पे आए कि अंततः उन्हें लंबित करना ही पड़ा। देखिए बंधुओं, दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी को, आम आदमी पार्टी को बहुत कुछ दिया। 67 सीट देना यह कोई छोटी बात नहीं है, मगर जनता के इमोशंस के साथ, जनता के एस्पिरेशंस के साथ, जनता की जरूरतों के साथ जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी, आम आदमी पार्टी और उनकी सरकार ने सलूक किया है, मुझे यह लगता है कि दिस इज लाइक स्टैबिंग फ्रॉम द बैक, पीठ पर छुरा भोंकने के बराबर है। एरोगेंस ऑफ नंबर, संख्या के बल पर अहंकार की पराकाष्ठा में पहुंचने की जो कोशिश अरविंद केजरीवाल जी ने की कि 67 सीट मिले हैं इसलिए मैं ही राजा हूं दिल्ली का, आज हिंदुस्तान के संविधान ने उन्हें आईना दिखाया है।